सपहर 4:43 खेलों के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ताज़ा एडिशन लेकर हम सभी का सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजिन, अमरीका और वेस्टइंडीज़ में जो है वर्ल्ड कप के पहले राउंड के मैचेस मुनाकिद हुए, 20 में से 8 टीमों ने अब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया और वर्ल्ड कप जारी है, काफी जोश खरोश है, तो खेल और खिलाड़ी कैसे इस जोश खरोश से दूर रह सकता है? आज भी वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम है और एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आज हमारे मेहमान हैं और बात करेंगे वर्ल्ड कप की। प्रोग्राम का आगाज करते हैं मकामी खेलों की खबरों से। हस्ब दस्तूर चलते हैं मेरे साथी फारूक अहमद के पास लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के सिलसिले में आज 21 जून को दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और भारत के अलग अलग रियासतों और यूटीज की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है योगा का बैल अकामी दिन। वजीर अजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी ने आलमी शोहरत याफ्ता डल झील के किनारे आज सुबह किए मोतीदिल शुरका समेत योगा के मुख्तलिफ आसन। श्रीनगर में जारी नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इकबाल स्पोर्ट्स एफसी और कश्मीर एरोज के दरमियान सोमवार को होगा मुकाबला और 26 जून को एसटीएफसी और आरको एफसी की टीमें होंगे आमने सामने। श्रीनगर में मुनक़द होने वाले इंटरनेशनल सुकाई मास्टर्स कप 2024 में हिस्सा लेने के लिए इराकी सुकाई टीम श्रीनगर पहुंच गई, जहां पर वादी के ग्रैंड मास्टर मीर नजीर और दीगर अहदेदारान ने इन खिलाड़ियों का गर्मजोशी से किया इस्तकबाल। जम्मू में हुआ ओपन हैंडबॉल नाइट टूर्नामेंट 2024 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के पहले मुकाबले में करगिल मार्टियर्स क्लब ने जेके स्पोर्ट्स काउंसिल 11 को हराकर मुकाबला जीत लिया। रूस में जारी ब्रिक्स गेम्स 2024 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 2 मजीद फेंसिंग खिलाड़ी रूस के लिए हुए रवाना, जहां पर कल से ये खिलाड़ी अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। जम्मू कश्मीर से फेंसिंग में अब तक 3 खिलाड़ी रूस के लिए हुए हैं रवाना। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके कबड्डी एसोसिएशन के इशराक से उधमपुर और बाड़ीपुरा में 25 जून से लेकर 16 जुलाई तक कबड्डी खेल के हवाले से खिलाड़ियों को दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि आने वाले इवेंट्स के दौरान खिलाड़ियों को इस ट्रेनिंग का फायदा मिल सके। जनूबी कश्मीर में जारी क्लब T20 टूर्नामेंट 2024 हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल में ब्राजलू क्रिकेट क्लब ने दादा 11 बुजगाम को 3 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 22 टीमों ने की थी शिरकत। पुछ में हुआ शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का शानदार आगाज। पहले दिन के मुकाबले में मंजीत वॉलीबॉल क्लब ने पुछ वॉलीबॉल क्लब को हराकर मुकाबला जीत लिया। इस टूर्नामेंट में इलाके से वाबस्ता 16 वॉलीबॉल क्लब कर रहे हैं शिरकत। रूस में जारी ब्रिक्स गेम 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर के वुशु खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह ने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए 1 सिल्वर का मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया है रोशन। इन गेम्स में मुल्क के वुशु टीम ने कुल मिलाकर 8 मेडल जीत लिए। जम्मू में जारी हैंडबॉल टूर्नामेंट 2024 के और एक मुकाबले में जिमखाना क्लब लुधियाना ने करगिल क्लब को हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। दूसरी जानी उधमपुर ने हैदराबाद क्लब को हराकर मुकाबला जीत लिया। कुलगाम में जारी साउथ कश्मीर गोल्ड फुटबॉल कप में आज शाम के मुकाबले में शुपियान एफसी और डाउनटाउन हीरोज एफसी के दरमियान होगा मुकाबला और कल शाम को अल सहर एफसी और कश्मीर महाराजा के दरमियान होगा मुकाबला। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम डीडी कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, यूट्यूब पर आप डीडी कश्मीर चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपको खेलर खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं और लोकल स्पोर्ट्स के बारे में और लोकल खिलाड़ियों के बारे में आपको खूब जानकारी मिलेगी। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंडअप के साथ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को वायरस से मुतासर मैच में हराया। पैट कमिंस ने ली हैट्रिक।
ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी दर्ज। भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं ग्रुप वन में ऑस्ट्रेलिया के साथ। कल भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से मैच में हरा दिया। भारत ने दिया था अफगानिस्तान को 20 ओवर्स में 182 रन का हदफ। जवाबन अफगान टीम 134 रन पर आउट हो गई। स्काई रहे प्लेयर ऑफ द मैच, उन्हें 53 रन बनाए। अर्शदीप ने 3 और बुमराह ने 3 विकेट हासिल की। आज सेंट लूसिया में ग्रुप 2 के एक मैच में इंग्लैंड का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के साथ। दोनों ही टीमों ने एक एक मैच खेला और 2-2 पॉइंट्स हासिल किए। कल भारत खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ अपना सुपर 8 का दूसरा मुकाबला। वेस्टइंडीज खेलेगा अमरीका के खिलाफ। पांचवी में भारत की खवातीन कंपाउंड टीम अंताले तुर्की में वर्ल्ड कप स्टेज 3 में गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूरी पर है। ज्योति, अदिति और परिणीति की तिकुड़ी एस्टोनिया के खिलाफ फाइनल में करेगी मुकाबला। उधर भजन कौर ने रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट का गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत की मेंस फुटबॉल टीम के गुजशत 5 साल से कोच इगोर स्टामैक को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में भारत की खराब कारकर्दगी के बाद रुखसत कर दिया है। नई दिल्ली के डीएलटीए कॉम्प्लेक्स में सालियारवां 30 सितंबर से मुनक्किद होगी नेशनल टेनिस चैंपियनशिप। यह चैंपियनशिप 5 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी। मेंस और विमेंस इवेंट्स के साथ साथ अंडर 18 बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। इसके बाद अंडर 16 और अंडर 14 के इवेंट्स भी मुनक्किद होंगे। यूरो 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप जर्मनी के मुख्तलिफ वेन्यूज पर है जारी। गुजशत रात स्पेन ने इटली के खिलाफ 1-0 से फतह हासिल की। स्पेन के 2 मैचेस में 6 पॉइंट्स हो गए हैं और उसने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया है। इटली ने अपने सेल्फ गोल का खमियाजा भुगता। एटलांटा अमेरिका में आलमी चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा के खिलाफ गुजशत रात कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच 2-0 से जीता। कल पेरू का मुकाबला होगा चिली के साथ और इतवार को इक्वाडोर और वेनेजुएला की टीमें मुकाबला करेंगी। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के शानदार फास्ट बॉलर और ओडीआई और टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस को। कमिंस को आज सुबह वेस्टइंडीज के शहर बारबाडोस में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के माबैन मैच के आगाज पर सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी दी गई। और भारत के लिए 2 टेस्ट मैच और कर्नाटक के लिए 39 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने वाले फास्ट बॉलर डेविड जॉनसन का बेंगलोर में एक हादसे के बाद इंतकाल हो गया। शायकी ने क्रिकेट में जो है काफी गम की लहर बढ़ी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी डेविड जॉनसन के लिए जो है हराज के अल्फाज जो है ट्विटर पर और एक्स पर जो है वो शेयर किए क्रिकेट लवर्स के साथ। और अब नाजरीन, वर्ल्ड कप के मैचेस पर खास बातचीत के लिए हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज 2007 में हुआ, तब से लेकर अब तक 8 वर्ल्ड कप हो चुके हैं जिनमें से 2-2 इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने जीते हैं और 1-1 जीता है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने। न्यूजीलैंड कभी भी अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है। बहरहाल, जहां तक इस मरहले का ताल्लुक है, इस वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, ये 9वां वर्ल्ड कप है और इसमें सुपर 8 का फैसला हो चुका है। 2 टीमें जो टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाई और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो शॉकिंगली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। आज हम इस वर्ल्ड कप के बारे में बात करने के लिए एक खास मेहमान से मुलाकात होंगे और आप जानते हैं इस मेहमान को, ये साबिक रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं नईम बख्शी। नईम, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू वेरी मच। नईम, देखिए, ये जो वर्ल्ड कप है इसमें पाकिस्तान की टीम और न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो चुकी हैं। ये ग्रुप जो स्टेज थी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। आपकी नजर में कितना शॉकिंग है या कितना इंटरेस्टिंग है ये खास डेवलपमेंट? नहीं, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनकी जो टीम थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उनकी जो कॉम्बिनेशन थी, यहां पे आप देखेंगे कि उनके 4 ओपनर थे फर्स्ट 4 में और मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कहीं पे था नहीं, पावर हिटिंग का बैट्समैन कहीं पे था नहीं और उनमें थोड़ा ग्रुपिज्म का जो मसला वो चल रहा है। जैसे कि गैरी कस्टन जो नए कोच आए हैं, उन्होंने भी हाईलाइट किया इस बात को कि ये जिस एज एन इंडिविजुअल खेल रहे थे सारे, एज ए टीम नहीं खेल पाए, तो वो सबसे बड़ा, क्योंकि एक ये जो क्रिकेट है, स्पोर्ट है, इसमें इट्स अ टीम गेम, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल गेम। तो इसमें जब तक एज अ टीम आप लेके नहीं चलेंगे तो आप इंडिविजुअली आप कितने भी अच्छे हों तो वो टीम कामयाब नहीं हो पाती है। तो फिर जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो मतलब चाहे वो बैटर्स हों, बॉलर्स हों, उनकी फील्डिंग भी वैसी थी, उससे वो फिर जो ग्रुपिज्म रहता है जो फिर तो वो ठीक नहीं आ पाती है, वही वजह रही मुझे लगता है एक के। और जो सिलेक्शन भी रही वो भी ठीक नहीं रही। न्यूजीलैंड की टीम के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, न्यूजीलैंड को पहले ही 2 मुकाबलों में शिकस्त हुई, उनको बांग्लादेश ने हराया, अफगानिस्तान ने हराया, वेस्टइंडीज ने हराया, तो ये 2 जो नाकामियां हैं
हालांकि न्यूजीलैंड की टीम कह रहे थे कि सुपर एट में क्वालिफाई करेगी। अगर आप सुपर एट की टीमों की तरफ नजर डालें, दो चीजें बहुत ही स्टार्टलिंग है। नंबर एक, यूएसए ने क्वालिफाई किया बिल्कुल, और एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, और दूसरी टीम जो है एक्सपेक्टेड थी किसी हद तक वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी, अफगानिस्तान। ये दोनों टीमें आई हैं। मुझे लगता है अफगानिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश का सरप्राइजिंग है कि वो आ गया, क्योंकि अफगानिस्तान, हाँ, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो T20 के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो कल तो उन्हें हारा इंडिया के साथ मैच तो, लेकिन उनकी जो जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे रैंक्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, उनकी टीम अच्छी मानी जाती है, उनकी टीम में अच्छे स्पिनर्स हैं, फारूकी एज ए ओपनिंग बॉलर बहुत अच्छे हैं, हिटर्स अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का क्वालिफाई होने से ज्यादा सरप्राइजिंग है बांग्लादेश का क्वालिफाई होना, क्योंकि मुझे लगता है एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड बांग्लादेश और यूएसए क्वालिफाई कर पाए बिकॉज ऑफ देयर ओन गुड परफॉर्मेंस, नो डाउट कि अच्छा परफॉर्म किया तभी जाके वो क्वालिफाई। देखिए, आप ग्रुप वन में इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश हैं, ग्रुप टू में यूएसए, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका है। अभी तक देखिए जो सुपर एट मैचेस हैं वो हो चुके हैं शुरू, और ये चलेंगे 25 जून तक, फिर सेमीफाइनल 27 को और फाइनल होगा 29 जून को। सुपर एट का जो मरहला है उसमें जो पहला मैच था वो साउथ अफ्रीका और यूएसए का, ये मैच था। इस मैच के बारे में क्या कहते हैं, देखिए साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने तमाम अपने मैच जीते, और ये सुपर एट का जो मैच था उसमें यूएसए से काफी तवक्कुआत वाबस्ता थी, ऐसा लगता था कि यूएसए ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया है और जिस तरीके से, मगर यूएसए ने फाइट अच्छी दी, उनने गोस है उनके वन डाउन प्लेयर आते हैं, उनने स्कोर 80 सम रन, तो ये वन साइडेड मैच भी नहीं इसको कहेंगे जो कि यूएसए और साउथ अफ्रीका के बीच रहा, ये यूएसए ने अच्छी खासी फाइट इनको दी। डीकॉक ने 74 रन बनाए, साउथ अफ्रीका ने 194/4 बनाए, क्लासन ने 36 रन नॉट आउट बनाए और मैक्रम ने 46 बनाए। तो उसके बाद यूएसए की टीम जब बैटिंग करने आई तो उनके खिलाड़ी एक एक करके आउट हो रहे थे, लेकिन ऐसे मौके पर मिडिल ऑर्डर में गॉस ने पूरी टीम को संभाला, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की खिलाड़ी ने, टेलर भी जल्दी आउट हो गए थे, ज्यादा बड़े मार्जिन से नहीं हारी यूएसए, 18 रन से हारी। अगर आप देखें साउथ अफ्रीका एक मंजीवी टीम है, उसको देखें तो जो यूएसए तो नई टीम है अभी, हरमीत ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 38 रन बनाए, और ऐसा मरहला था कि आखिरी जब 3-4 ओवर बचे थे ऐसा लगता था शायद ये कोशिश करेंगे, लेकिन फिर रबाडा ने जिस तरीके से वो ओवर किया है उसके बाद 2 ओवर लगातार किए और उन्होंने विकेटें ली, 3 विकेट लिए उन्होंने, 18 रन देके बहुत शानदार गेंदबाजी की वजह से एक क्रूशल मोमेंट पे रबाडा ने मैच का रुख साउथ अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया और लगातार विकेटें गिरती रहीं। तो ये जो यूएसए की टीम है इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये कप्तान इनके जो एरॉन जोन्स थे वो जीरो पर आउट हो गए, ये बहुत बड़ा इस मैच में, अदरवाइज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से वो खेल रहे थे अभी तक टूर्नामेंट में, तो अगर वो अच्छा खेलते तो मे बी रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट फॉर यूएसए। और नेत्र वलकर ने जो बॉलिंग की है बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की है, उन्होंने 2 विकेटें ली हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए पार्ट टाइम प्लेयर है नेत्र वलकर जो है, बड़े सुलझे हुए बॉलर हैं, बहुत सोच समझ से बड़ी चालाकी से बॉलिंग करते हैं। T20 में यही एक पॉइंट होता है कि जो पेस है, जैसे कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास बॉलर के पास पेस है, लेकिन उनमें वो जो सोच है कि जो क्लेवर होना कि स्लोअर वन जो यॉर्कर्स आजकल नया बॉल चला है कि वो बैट्समैन से दूर, ये नाकामी हुई यूएसए की, लेकिन इट वॉज रियली ए गुड फाइट बैक 18 रन से जी, बिल्कुल। लेकिन कल एक और जो मैच हुआ इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, बहुत लोगों की नजरें इस पर थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वेस्ट इंडीज ने लगातार मैच जीते थे और इंग्लैंड को कुछ मैचेस में नाकामी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज शायद डोमिनेट करेगी। 180 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे बनाए, चार्ल्स ने 38 बनाए, पॉवल ने उनके कप्तान ने 36 रन बनाए, पूरन ने 36 रन बनाए, रदरफोर्ड जो कि उनके फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है उन्होंने 28 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और एक काफी अच्छा स्कोर था 180 रन 4 खिलाड़ी आउट। लेकिन उसके बाद जिस अंदाज से इंग्लैंड ने इस टारगेट का ताकुब किया, सॉल्ट ने जिस तरह से अपने वेस्टइंडीज के जख्मों पर नमक पाशी की, तो और बेयरस्टो ने भी कोई कसर उठा नहीं रखी, उन्होंने भी 48 रन बनाए, सॉल्ट ने 87 रन,
नॉट आउट बनाए। इस तरह वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट से ये मैच हारा और इंग्लैंड का जो ये पीक होना है लास्ट मोमेंट पे, बहुत लेट पीक कर रहे हैं। इब्तदा में ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन अब जो पीक कर रहे हैं तो दे कैन बी अ थ्रेट फॉर अदर टीम्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये टीम कैसी है, आप क्या कहते हैं इस टीम के बारे में? इंग्लैंड के बारे में, इनने बहुत मुश्किली से क्वालिफाई किया सुपर एट में, लेकिन जो आमतौर देखा गया वर्ल्ड कप के पिछले वर्ल्ड कप में सब में, कि जो लेट जो पहले पीक करते हैं वो आगे चलते चलते उनका जो है वो वैसा मोमेंटम नहीं रह पाता है। लेकिन इंग्लैंड मुझे लगता है इट्स पीकिंग एट द राइट टाइम, वो कहते हैं ना, तो उस वजह से मुझे लगता है कि इनका जो है अब आगे का सफर मुझे लगता है अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू बाकी। और इंग्लैंड ने 2 पॉइंट हासिल किए, साउथ अफ्रीका ने 2 पॉइंट हासिल किए इस ग्रुप में, यूएसए और वेस्ट इंडीज ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। अब आते हैं मैच के बारे में, जो कि मैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा रहा था, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। तो इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी की टॉस जीतकर और जिस अंदाज से भारत के खिलाड़ियों ने खेला, 181 रन बनाया, 8 विकेट इनके आउट हुए। सूर्य कुमार यादव ने 53 रन बनाए, कोहली ने 24, पंत ने 20, हार्दिक पांड्या ने 32 रन बनाए। लेकिन जो कंसर्न है ओपनिंग स्लॉट का, कोहली और जो कप्तान है रोहित, इनकी अभी पार्टनरशिप नहीं बन रही है जी, इस बारे में क्या कहेंगे जी? इंडिया की जो टीम है इसमें अगर आप देखेंगे इनके जो वो कहते हैं ना वो क्रिकेट में कि ऑल देयर बेसिस आर कवर्ड, चाहे वो स्पिन का डिपार्टमेंट हो, रिस्ट स्पिन का डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट हो, ओपनिंग स्लॉट कोहली और जो जस्ट रोहित शर्मा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम मुझे लगता है। सूर्य कुमार यादव स्काई ने वाकई बहुत जबरदस्त किया है, ये जबरदस्त हिटर हैं, ये एट द राइट टाइम जो है कंट्रीब्यूट करते हैं जहां जहां इनको चाहिए होता है, तो और बहुत बहुत तेजी से रन बनाते हैं, इसको जो उनकी जो जो रेट होती है ये अराउंड 200 के करीब स्कोरिंग रेट होती है इनकी। तो देखिए इस टूर्नामेंट में अभी तक आप देखेंगे जो पार स्कोर था वो 120 के करीब, जी 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 जी, भारत ने 119 पर पाकिस्तान के खिलाफ जी। अब विकेटें जो यूएसए में थी वो अनइवन थी और बहुत स्लो भी आ रही थी, बीच में कभी बाउंस हो रही थी अनएक्सपेक्टेडली, तो स्कोरिंग बहुत मुश्किल थी। लेकिन वेस्ट इंडीज में जो मैचेस हुए उनमें स्कोरिंग अच्छी हो रही थी, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 बार 200 से ज्यादा स्कोर हुआ है अभी तक। तो आपको लगता है कि जो हम लीग क्रिकेट की बात करते हैं, लीग क्रिकेट में यह कहा जा रहा था कि जो 2020 क्रिकेट है वो बदल गया है, आप 250 भी आप चेज कर सकते हैं, लेकिन वो जो मिथ है, वो जो तासुर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट ने और ऐसी विकटों ने जहां पर आपको अप्लाई करना पड़ता है वो तासुर एक्सप्लोर कर दिया है। ये जो यूएसए में जो विकेट थी जो वहां पे मैचेस हुए हैं वो फॉर अ चेंज, एंड मैं कहता हूं अच्छा हुआ कि ये बॉलिंग साइड जो बॉलर्स को फेवर करने लगी थी। बुमराह के बारे में क्या कहते हैं, इतनी शानदार गेंदबाजी की, सिर्फ 7 रन देके 3 विकेट ली है, बेस्ट एवर बॉलिंग है जहां तक कम से कम रन कंसीड करने का ताल्लुक है, इतने कम किसी ने कंसीड नहीं किए हैं 3 विकेट लेके। आज वो आया था एक जगह आर्टिकल उसका कि वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल बन गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन उनको रीड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनकी यॉर्कर्स हो, स्लोअर वंस हो, या फिर जो उनकी फास्ट बाउंसर्स हो, नहीं कर पा रहे हैं रीड उनको, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल बन गए हैं। और देखिए ना गुरबाज जो आए थे ओपनर हैं इनके अफगानिस्तान के, उन्होंने मैच से पहले कहा था कि मैं अच्छे तरीके से खेलूंगा, मैं जो बुमराह है उनकी जो परफॉर्मेंस है या उनका स्टेटस है उससे मैं ओवरऑल नहीं होगा, उससे दबूंगा नहीं। उनने स्टार्ट वैसे आते आते ही वो बहुत नर्वस नजर आए और पहले आउट हो गए। बिल्कुल, उनने स्टार्ट वैसे ही किया था, पहले ओवर में उनने चौके छक्के लगाना शुरू। हर्षदीप की बात करते हैं, हर्षदीप एक ऐसा बॉलर साबित हुआ है जिसने दिखा दिया है कि ही बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल एरिना। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कितनी वैरायटी है, स्लो ओवरमैन कैसे करते हैं, स्लो बाउंसर्स करते हैं, स्लो यॉर्कर्स करते हैं और नकल बॉल करते हैं, काफी वैरायटी है, काफी वेरिएशन है इनकी। बिल्कुल। इनके बारे में क्या कहते हैं अर्शदीप? ये तो जो यूएसए में मैच हुए खासकर वहां पे उनने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, क्योंकि वहां पे बॉलर फ्रेंडली 47 रन से भारत ने ये मुकाबला जीता। जी 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 बिल्कुल। तो अफगानिस्तान को अब अगले दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। अफगानिस्तान ये अब जो है मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये मैच, आज का मैच, आज सुबह ये मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, और इससे काफी तवक्कोत वाबस्ती थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बहुत अच्छे तरीके पर पीक हो रही है, और यहाँ पर कमिंस ने हैट्रिक, कमिंस ने हैट्रिक, पहली हैट्रिक होगी इस बार इनकी, जबरदस्त
बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, पिछले एक दो साल से जबरदस्त खेल रहे हैं, अवार्ड भी दिया गया बिल्कुल जी, और उसके बाद मैच में इन्होंने हैट्रिक हासिल की और मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच रहे, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी की। इसमें जो 140 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, आठ खिलाड़ी के आउट होने पर, ऑस्ट्रेलिया चेज करा था और 100 रन बनाए थे, उनके दो खिलाड़ी आउट हुए थे, वार्नर ने 53 और हेड ने 31 रन बनाए थे। ऐसे मौके पर बारिश हुई और डकलस लुईस सिस्टम के मुताबिक उनको विनर करार दिया गया। तो इस तरह ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता। आपको लगता है कि ये बारिश का जो है इससे बहुत असर पड़ सकता आगे टूर्नामेंट में? आगे भी काफी इंडिया के जो खासकर मैचेस हैं एक दो, वहां पर भी एक्सपेक्टेड खासकर 28 रन से बारबाडोस डीएलएस मेथड से जीता इन्होंने। देखिए ये जो पहला मैच था यूएसए और दूसरा मैच इंग्लैंड ने जीता, और तीसरे मैच में जैसे कि हमने कहा कि भारत ने कामयाबी हासिल की, चौथे मैच में आज ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला आरआई में बांग्लादेश को हरा दिया, और आज ही रात इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच होगा, बहुत जबरदस्त मैच होने जा रहा है, उस मैच के बारे में क्या कहते हैं आप? और भारत का होगा बांग्लादेश के साथ 22 तारीख को पहला मैच, और 24 तारीख को एक और मैच होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भारत के लिए दो अगले मैच जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों भारत को जीतने पड़ेंगे। इतवार का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है, बहुत अच्छा मैच रहेगा। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच रहेगा, मुझे लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम का, अच्छा देखिए न्यूजीलैंड ने जी, तो न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है काफी हद तक मायूसकुन रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आखिरी बार शायद टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जिनमें बोल्ट हैं और केन विलियमसन, केन विलियमसन है, हो सकता है कोहली हो, रोहित शर्मा हो, उसके बाद कई लोग बात कर रहे हैं दीगर खिलाड़ियों की भी, जिनमें भारत के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब देखिए बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी, बहुत खिलाड़ी तब्दील हो जाएंगे, बिल्कुल वार्नर आएगा नहीं खेलेंगे, वार्नर का भी आखिर। अब देखिए भारत के जो नए कोच आ रहे हैं गौतम गंभीर, गंभीर ने आते आते ही इंडिकेशन दी है कि मैं तीन फॉर्मेट में, टी20 के फॉर्मेट में, 50 ओवर्स के फॉर्मेट में और टेस्ट टीम में, तीन डिफरेंट टीमें चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि टी20 में जो एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का जो मिश्रण है भारत की टीम में, ये तो बहुत काम कर रहा है, तो इसमें अगर टोटली डिफरेंट टीम रखेंगे आप और टेस्ट में और 50 ओवर्स मैच में अलग रखेंगे, तो इससे किसी हद तक नुकसान भी हो सकता है? नहीं देखिए, जब भी कोई नया कोच आता है वो अपनी एक सोच लेके आता है, अपनी एक थिंकिंग लेके आता है। गौतम गंभीर का ये सोचना कि मैं जो नई टीम लेके जो आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ वही प्लेयर खेलेंगे टी20 में जो कि फिर दूसरे फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे, ये देखना पड़ेगा आगे जाके कि ये कहां तक उसमें भी कामयाबी पाएंगे कि नहीं। तो मुझे लगता है बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता है कि जो 11 के 11 प्लेयर है वो है कि टी20 में ही सिर्फ खेल रहे हैं बाकी फॉर्मेट नहीं खेल रहे, वो पॉसिबल मुझे लगता है नहीं है। जैसे सूर्य कुमार यादव है वो वनडे भी खेलते हैं, बहुत अच्छा है, टी20 भी खेलता है और टेस्ट में भी कभी खेला है, तो मतलब यू कैन नॉट कीप हिम ओनली फॉर टी20 फॉर्मेट। सही बात। इसी तरह हमारे बुमराह हैं, फास्ट बॉलर है, मतलब बुमराह फास्ट बॉलर हैं, उनको तो तीनों फॉर्मेट में वो फिट होते हैं और कामयाबी से मतलब खेल रहे हैं। इसी तरह तीन चार प्लेयर ऐसे जडेजा है ऑस्ट्रेलिया में, कमिंस है। मैं चूंकि हम यहाँ बात चली गौतम गंभीर की, वो क्या कह रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम जो अभी खेल रही है, जो कि आइंदा मैचों में भी एक्सपेक्टेड है, उसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव है, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, फिर अक्षर पटेल हैं, अर्शदीप हैं, बुमराह हैं और सिराज की जगह लिया है उन्होंने कुलदीप यादव को जी। तो ये टीम काफी बैलेंस लगती है, एक आध गुंजाइश हो सकती है कि आप कोहली को दोबारा वन डाउन लाएं और फिर यादव को, यशस्वी को लाएं आप दोबारा। नहीं मुझे लगता है अभी ये जहां तक ये कोहली और रोहित का जो प्लेयर है अभी ट्राई करेंगे इस वर्ल्ड कप में ये थ्रू आउट, तो क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं और ऐसा नहीं है कि मतलब इनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि डिलीवर करने की, डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत मायनाज खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने आज भी कहा है, उनका स्टेटमेंट आया है कि कोहली को आप वन डाउन में लाइए क्योंकि मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर्स में कोहली बेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड खेलने के लिए। अब जब आप उसको ओपनर लाते हैं वो अंडर प्रेशर भी आता है और बहुत जल्दबाजी, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में है। नहीं, उसमें इसमें एक फायदा है कि जो इंडिया में जो टीम है उनकी
कोहली अगर आउट भी हो जाते हैं, पीछे इतनी बैटिंग है उनकी, तो वो हैंडल कर लेते हैं। अगर इन चार मैचों में आप देखें कि कोहली जल्दी भी आउट हो गए, लेकिन किसी न किसी ने, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, किसी न किसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। सही है। इस वजह से मुझे लगता है कि वो रिस्क नहीं लेंगे, वो खिलाएंगे फिलहाल इनको, अगर आउट भी होते हैं। मगर अगर आउट नहीं हुए, वो क्लिक हो गए, वो बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं इंडिया। कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं, देखिए वो कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आपने पूरे बैटिंग ऑर्डर को पलट के रख दिया, आपने सही सिलेक्शन नहीं किया, लेकिन चूंकि आप जीत रहे हैं, आपकी गलतियों पर पर्दा पड़ रहा है। उनका यह कहना है कि कोहली को वन डाउन होना चाहिए था, आपने अक्षर पटेल को टू डाउन लाके बाकी लोगों को चांस नहीं दिया, और ये चीजें उथल पुथल टीम में करना, क्या ये सही है? कुछ क्रिटिक्स का ताल्लुक है, लेकिन वैसे तो एक क्रिकेटर आप चूंकि रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों से आपका सामना हुआ है, जो कि काफी टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, आजकल भी टेस्ट क्रिकेट कुछ लोग खेलते हैं जो आपके साथ खेले हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो आप ये जानते हैं करीबी मामला है। जो टीम मैनेजमेंट होती है, जिसमें कि कोच होता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है, इनका अमल दखल होता है फाइनल टीम सिलेक्शन में और बैटिंग ऑर्डर में। तो ये बैटिंग ऑर्डर इज इट एक्सपेरिमेंटल? नहीं, ये जो बैटिंग और क्या इस स्टेज पे वर्ल्ड कप 2020 के मौके पर एक्सपेरिमेंट करना सही है? नहीं, ये देखो, बैटिंग ऑर्डर में जो शफल होता है, वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, इसमें ऐसा होता है कि जब आपका जब अक्षर पटेल को भेजा बीच में, वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि वहां पे या तो एज पर सिचुएशन या लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, या विकेट की जो हालत होती है उसको देखकर, वो हमेशा नहीं भेजेंगे वो, लेकिन एज पर द सिचुएशन वो तो ये जो बैटिंग ऑर्डर में आगे पीछे है, ये जरूरी करना भी है मुझे लगता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग इन व्यू द वहां पे विकेट कैसी है और बॉलर कोड सामने है। अभी आप इससे जो लेफ्ट आर्म बैटिंग जो करने आता है, उससे सारा जो डिस्टर्ब है रिदम बॉलर्स का, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे बताइए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सी चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं? जहां तक मैंने अब जो मैचेस देखे हैं, वहां पर मुझे लग रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, मुझे लगता है एक ये टीम है, ये चार टीमें आगे जा सकती हैं। तो उसमें से मुझे लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर हॉट फेवरेट्स अगेन से, तो उन दो में से भी अगर हॉट फेवरेट्स अगर एक लें, तो मैं लूंगा इंडिया का नाम फिर से, बिकॉज आई वुड अगेन से उनके ऑल बेसिस आर कवर्ड, चाहे वो लेफ्ट आर्म डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट हो, पावर हिटिंग डिपार्टमेंट हो, मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट हो, हर कोई डिपार्टमेंट उनका फील्डिंग हुआ, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा स्ट्रांग। बट T20 में ऑन दैट डे विश पर टीम परफॉर्म्स बेटर, फिर वही जीती है। अदरवाइज अगर देखा जाए कि इंडिया की टीम तो बेस्ट मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में इन्हें खिलाई है, और उन्हीं के चांसेस ज्यादा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी मैच हैं बहुत दिलचस्प मैच होंगे। जैसे अब तक हमने T20 वर्ल्ड कप देखा है, उसी तरह से वी विल एंजॉय द क्रिकेट एंड वी आर गोइंग टू सी द बेस्ट टीम विनिंग दिस वर्ल्ड कप ऑन 29th of June 2024। नहीं बख्शी, आप प्रोग्राम में आए, आपने T20 के बारे में बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आज आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सुपर 8 का मुकाबला होगा उसको एंजॉय कीजिए। कल भारत बांग्लादेश के खिलाफ एंटीगा में खेलेगा, उस मैच का लुत्फ लीजिए। और फाइनल से पहले का फाइनल, जी हां, सोमवार को भारत का मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ सुपर 8 में, उसको फाइनल से पहले का फाइनल करार दिया जा रहा है। वो मुकाबला होगा सेंट लूसिया में। ये मैचेस एंजॉय कीजिए। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मजीद बात होगी वर्ल्ड कप की, जो नतीजे निकलेंगे उन पर और सेमीफाइनल्स और फाइनल पर। इसके साथ ही खेलो खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।